मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के अग्रणी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से रहे हैं, तो फिर से उनके साथ बिताए हुए क्षण, उनकी यादें, उनकी सारी स्मृतियाँ फिर दिमाग में कौंधने सी लगी हैं और गाहे बगाहे उनसे चर्चा हुआ करती थी इन मुद्दों को लेकर के कि कैसे वो इसमें कूदे, इस आंदोलन में कैसे वो आए, कैसे इस पृष्ठभूमि में गए। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी खुल के उनसे बात होती थी। तो ऐसे ही लम्हों में उन्होंने एक बार बताया था कि नवंबर 1933 में गांधी जी जब दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे, तब उन्हें मौका मिला था। तब हमारी दादी जो थी, उनकी माता जी, उन्होंने अपने हाथ से जो सूत काटा था उसकी माला से उन्होंने स्वागत किया था ग्राम पलारी में। उस समय उनकी उम्र महज 10 साल थी। यहाँ मैं बता दूं कि उन्हें मतलब देश प्रेम जो है लगभग विरासत में मिला था कि हमारे दादाश्री जो थे, उनके पिताजी, वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के समकक्ष थे और प्यारेलाल त्रिपाठी उनका नाम हुआ करता था। और वे प्रसिद्ध समाज सुधारक जो है सुंदरलाल जी के साथ में भी वो कार्य किया करते थे। तो यहाँ से उनकी नींव पड़ी। कालांतर में वे जब ये स्कूल की स्टडी करने के लिए रायपुर आए और उन्होंने सेंट पॉल स्कूल में दाखिला लिया, तब उस समय बहुत सारे ग्रामीण छात्र जो है ये जैतूसाव मठ में रह करके पढ़ाई करते थे। तो वहीं रहते हुए फिर धीरे से फिर आंदोलन में कूद पड़े और उनके महंत लक्ष्मण दास जी के मार्गदर्शन में और तमाम साथियों के साथ फिर इत्तेफाक से इनकी ज़िंदगी में एक मोड़ ये आया कि जब यहाँ पर गठन हुआ इसका आपका सेवा दल का, तो ये सबसे छोटे और इकलौते प्रतिनिधि यहाँ के थे जो उसमें शामिल हुए। 74 प्रतिनिधियों का चयन किया गया था पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र से और वहाँ से इनकी सक्रियता फिर प्रारंभ हुई। और पहली बार ये 43 में जेल में गए और उसके पश्चात तो समझो कि क्रम निकल पड़ा इनका जेल जाने का। 36 से ये जब लगातार आंदोलन में जुड़े रहे हैं, तब उसके बाद एक के बाद एक किस प्रकार के आंदोलन में, 42 के आंदोलन में जब शुरू हुआ था 42 का आंदोलन, तब ये कुछ समय के लिए नरसिंहपुर चले गए थे। नरसिंहपुर में इन्होंने जब देखा कि गिरफ्तारी का खतरा है तो फिर वो रायपुर भाग करके आए और यहाँ पर पर्चे बांटते हुए फिर पकड़े गए 43 में। तो फिर उसके बाद ये फिर अंदर कर दिए गए थे, जेल में चले गए थे। नागपुर में भी इनको जेल भेजा गया था। इस प्रकार से इनकी बहुत सारी यात्राएँ, जेल यात्राएँ हुई। 43 में जब ये इनको सज़ा मिली थी 6 महीने की, तब ये जुलाई में छूटने के बाद फिर अक्टूबर में फिर पकड़े गए थे। और अक्टूबर में जब ये छूटे तो उसके बाद ये सीधे वर्धा में गांधी जी के आश्रम में रहने लगे। वहाँ इन्होंने हस्तलिखित पत्रिका जो थी उसका भी काम किया था। और एक बार की वे स्मरण में संस्मरणों में बताते थे कि इनकी हैंडराइटिंग इतनी खूबसूरत थी कि जब इन्होंने विकास नामक वो जो पत्रिका थी, जब उन्होंने इसका प्रकाशन जब उन्हें प्रकाशित किया इन्होंने हस्तलिखित पत्रिका का, तो गांधी जी ने भी कहा था कि तुम्हारे सुलेख बहुत अच्छे हैं और मेरी राइटिंग की तुलना में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और उसके पश्चात फिर ये खादी आज़ादी के बाद ये खादी के आंदोलन में जुड़ गए। लालमणि तिवारी चाचा के साथ और बिलख नारायण अग्रवाल जी के साथ में खादी में नरसिंहपुर में भी रहे, वहाँ भी ये आंदोलन करते रहे। और उसके आज़ादी के बाद फिर ये खादी में ही अपनी सेवाएँ देने लगे, खादी भंडार में अपनी सेवाएँ देते रहे। इसी बीच में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के कार्य के चलते फिर ये नागपुर में भी काफ़ी समय रहे। और इस प्रकार से लगभग यदि हम देखें तो इनका जीवन जो है पूरी तरह से गांधीवादी जीवन रहा है और गांधी जी के तमाम मार्गों का अनुसरण करते हुए सहयोग के सहकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। और अन्याय के खिलाफ लड़ना इनका आखिरी दौर तक जारी रहा। कहीं भी इसमें चाहे वो जयप्रकाश आंदोलन के दरमियान की बात हो, जब रायपुर में जयप्रकाश आंदोलन प्रारंभ हुआ तब वहाँ भी अग्रणी रहे और वहाँ इन्होंने लगातार यहाँ भी धरना प्रदर्शन आंदोलन किया था। उसके बाद जब पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनने की बात आई तो राज्य निर्माण समिति में भी ये अंतिम संयोजक के रूप में रहे हरी चाचा के जाने के बाद। इस प्रकार से इनका पूरा जीवन सक्रियता से भरा रहा। ये विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी हुए और अंतिम काल में भी ये उस समय के राष्ट्रपति जो 2004 में ये गए थे कलाम जी के हाथों सम्मानित होने के लिए, लेकिन वहीं उनकी तबीयत ख़राब हो गई और अनायास में वापस लौटना पड़ा। और ये उनकी सक्रियता का अंत हुआ। उसके बाद लगभग अस्वस्थ ही रहे और 19 अक्टूबर 2004 को उन्होंने अपनी देह त्याग दी। हमारी स्मृतियों में हर वक्त आते रहते हैं और हमें निरंतर
अन्याय से लड़ने की प्रेरणा देते रहे, ये उन्हीं की संगत रही है, उन्हीं का विचारधारा, उन्हीं की विचारधारा का प्रभाव रहा है कि हम जहाँ कहीं भी अन्याय देखते हैं तो वहीं दुखियों के साथ अब भी हम खड़े हो जाते हैं और विभिन्न स्तरों पर विभिन्न संगठनों के माध्यम से हम भी अपनी लड़ाइयाँ जारी रखते हैं। हर पल हर समय उनकी जो है शिक्षा हमें याद आती रहेगी और उनकी प्रतिबद्धता निश्चित तौर पर सराहनीय है। अंतिम क्षण तक वो खादी के साथ रहे, खादी में ही गए।